हाय एवरीवन, क्या हालचाल सभी के। मैं यार यूट्यूब को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था और हर साल यार ये होता है कि कुछ वीडियोस बनते हैं विच आर ओनली फॉर गर्ल्स, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। लेकिन यार मैंने इस बार सोचा कि यार हमारे लड़कों को भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। तो ये बेटा वो वीडियो है। तो सबसे पहले तो वो नालायक के सारे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है। ऐसे ही मैं यार वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ और आप लोगों को गाइडेंस देता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यार बात करते हैं कपड़ों की। तो देखो यार, कपड़ों में आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, फैशन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके से बेटा सो के उठते हो उसी तरीके से बेटा नीट का एग्जामिनेशन देने चले जाना। खुले हवादार कपड़े पहनना, हो सके तो बेटा पजामा पहनिएगा, ठीक है। जीन्स अवॉइड करना, जीन्स बेटा गर्मी का टाइम है ना, तो जो पजामा है वो ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा वो पहनिए, ठीक है। बाकी शर्ट या टी शर्ट कोई सी भी चीज़ आप पहन सकते हो, लेकिन खुली पहनना, ओवरसाइज्ड हो तो वो पहन लेना, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एंड कोशिश करिएगा कि यार लाइट कलर्स हम लोग पहने। डार्क कलर्स क्या करते हैं यार, गर्मी का टाइम है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, जिस रूम में हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं वहाँ का बेटा एसी काम नहीं कर रहा होता है या फिर बेटा वहाँ के पंखे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो बेटा हीट कम एब्जॉर्ब करेगा जो कपड़ा, वो आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाएगा नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो बेटा लाइट कलर्स पहनिए, ठीक है। अच्छा, एक वाटर बॉटल आप लोग जरूर कैरी कर सकते हो, ठीक है। वाटर बॉटल आप लोगों की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलर्ड होगी तो वो अलाउ नहीं होगी। एक वॉच को लेके भी यार बच्चों को दिक्कत आती है कि सर वॉच पहननी है या नहीं पहननी है। तो सबसे पहली बात तो डिजिटल वॉच तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एनालॉग वॉच भी बेटा कोशिश करिए कि नहीं पहनो। आप लोग जिस भी रूम में बैठे हुए रहते हैं उसमें बेटा वॉल क्लॉक होती है, वहां से बेटा आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर पहननी भी है तो एक बार बहुत हल्की फुल्की ऐसे पहन जाइए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर कोई सी भी चीज़ें आप लोग बेटा ब्रेसलेट पहन के बैठे हो, चेन आप लोगों ने लगा रखी है, कान में बेटा बाली लगा रखी है, तो ये बेटा ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें उतार के जाइएगा, एकदम सिंपल सोबर इंसान बन के जाइएगा। दानव नहीं बनना है हम लोगों को, ठीक है ना। नॉर्मल एकदम जैसे सो के उठते हैं वैसे ही बेटा पहुँच जाइएगा नीट का एग्जामिनेशन देने, ठीक है। बाकी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही, सभी नीट एस्पिरेंट के लिए ही बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरीके से बेटा कंटिन्यू रखिए। कोई भी ज़्यादा बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मार्क्स के बारे में प्लीज़ बिल्कुल भी मत सोचिए, बस ये ही सोचिए कि इन 7 दिनों को मैं किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा, वो बेटा 5 मई के बाद अपन लोग आराम से बैठ के बातचीत करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है तो। ये मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर बेटा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, DPPs हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। रिविजन करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से ही करिए। सारे शॉर्ट नोट्स बेटा आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पहले, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।